नमस्कार, अभी हम है वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट के DDC के ऑफिस में। हमें खबर मिली है कि सेशन 2019 और 20 के बीच में CMSSY के द्वारा जो टीचर अपॉइंटमेंट किया गया है, उन सभी का यही कहना है कि उन सब का पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किया गया। तो चलिए आज हम यहाँ की DDCA से जानते हैं कि अभी तक उन सभी का पेमेंट क्यों क्लियर नहीं किया गया और इतना डिले क्यों हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सेक्शन 2019 और 20 के बीच में CMSSY के द्वारा जो वेस्ट कमिंग के जो टीचर लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया था, उन सभी का यही कहना है कि अभी तक उन सभी का पेमेंट क्लियर नहीं किया गया। तो सर, क्या वजह से उन सभी का पेमेंट अभी तक क्लियर नहीं किया गया है? उसका एक्चुअली ऐसा है, ये गवर्नमेंट 75% रिलीज किया फॉर द सेशन 19-20 का। 75% में से 40% का हम लोगों को फंड रिलीज किया डिस्ट्रिक्ट में। तो 40% का जो भी अमाउंट बनता है फंड रिलीज किया, हम लोग ये टीचर्स लोगों का पेमेंट रिलीज किया गया है। ओनली 40% का ही पेमेंट इन लोगों को 19-20 का दिया हुआ है। रेस्ट अनदर 25% का हमें मार्च तक मिलने का उम्मीद है। उसी में से इन लोगों का रेस्ट पेमेंट जो नहीं मिला है वो देने का बात है। सर, जैसे कि अभी 2021 हो गए, वो तो 1920 का सेक्शन का था, तो अभी तक उन्हें इतना डिले क्यों हो गया कि अभी तक क्लियर नहीं किया गया? अब ये तो स्टेट का बात होगा, हम लोगों को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग अप्रोच कर रहा है, हम लोगों का ओर से कोई भी अप्रोच हम लोगों का ओर से नहीं छोड़ता है। तो अभी 25% जो रिलीज करेगा, हम लोगों को इतना ही मालूम है कि दिस विल बी रिलीज्ड विथिन दिस मार्च। ठीक है सर, अभी हम लोग का जो चैनल फेसबुक चैनल पेज पे काफ़ी लोग यहाँ वेस्ट कमिंग के लोग ने मैसेज कर रहे हैं कि बहुत डिले हो रहा है, तो सर अभी अपडेट क्या है, अभी का जो अपडेट है? नहीं, डिले तो हम लोगों का और से कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट से डिले हो रहा है, स्टेट से हम लोगों को फंड मिलेगा, फंड मिलता है, हम लोग उसको रखता नहीं है बिकॉज पेमेंट इज ऑल्सो वेरी मीगर। उसको हम लोगों का ओर से मेरा ख्याल से कोई डिले नहीं है। अभी जैसा अप टू डेट स्टेटस जो है, वो जो हमारा डीलिंग ऑफिसर है, डीलिंग असिस्टेंट है, दे आर ऑन लीव, वही क्लियर बोल सकता है। मेरा पास में इतना ही जानकारी है जो हमें आपको बता रहा हूँ। कारण मैं भी तो बिल्कुल नए ज्वाइन किया, अभी महीना भी नहीं हुआ है हमारा, कल एक महीना होगा। तो इसीलिए अभी अप टू डेट स्टेटस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 25% जो हमें मिलना है, उसके बाद वो 25% का पेमेंट उन लोगों को जितना बनता है वो दिया जाएगा, रेस्ट ऑफ द पेमेंट। थैंक यू सर। थैंक यू। ड्यू टू क्रिटिकल सिचुएशंस गोइंग ऑन बिटवीन द टीचर्स, दोज हू हैव वर्क अंडर CMSSY स्कीम, चीफ मिनिस्टर समग्र शिक्षा योजना फॉर द सेशन 2019-2020, I had worked as a maths teacher in KMC School, Nafra, which comes under Nafra Circle. Joining date was from September 2019 to February 2020. Per month it was 12,000. And the entire for teaching duration was for 6 months only. The total gross amount was 72,000. Still now we got only 21,400. 50,600 is still pending right now. And with the entire teacher from the West coming, those who work on the CMSSY scheme for the session 2019 and 2020 are facing a lot of problem. And it's an appeal to the Education Department of Arunachal Pradesh and Minister of Education Department of Arunachal Pradesh to have a look on this matter, because we the teachers, those who work for 6 months on the CMSSY scheme for the session 2019 and 2020 are facing a lot of problem, because it's been more than 1 year we are not getting paid. So it's my kindly humble request to the Education Department of Arunachal Pradesh and Minister of Arunachal Pradesh of Education Department to have a look on this matter. Thank you.